आउज बिल्लाहमान बिस्मिल्लाम प्यारे भाई और दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल असीफ सब आसान के साथ एक और नई वीडियो के साथ आपके किस्मत में हाजिर हूँ। जी दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो टॉपिक है वो बहुत ही अहम टॉपिक है। टॉपिक क्या है वीडियो का टॉपिक यही है कि मेरे बहुत सारे यूजर ने मुझे कमेंट्स करके पूछा कि यार अब्दुल असीफ भाई, जो ईडीओज की जो रिक्वायरमेंट है, कंप्यूटर रिक्वायरमेंट, वो क्या है। मुझे बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए, मैसेजेस आए। तो दोस्तों, वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपने सब आसान चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइबर के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके ईमेल एड्रेस पर आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं अपने चैनल पर एक वीडियो बना रहा हूँ। ये फर्स्ट वीडियो, मतलब कोई 6-7 महीने हो गए मैं अपने चैनल से गैर हाजिर हूँ। कुछ उसके वजूहत हैं, वजूहत में इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में आपको तमाम बताऊंगा। लेकिन इस टाइम जो मुझे कहा गया है कि यार अब्दुल असीफ भाई, कम से कम हमें जो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है वो बताएं। दोस्तों, कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट ये है कि देखो ना, आप कोई भी कंप्यूटर अगर लेने जा रहे हैं तो उसमें आपको पता होना चाहिए जो सिस्टम मुझे चलाना है, जो यानी सॉफ्टवेयर मुझे चलाना है, तो उसके लिए मुझे क्या बरकरार होगा, क्योंकि ये मालूमात होना जरूरी है। तो अमूमन मैंने देखा है कि जो भी मेरे चैनल पर विजिट करता है वो सबसे ज्यादा मूवी मिक्सर विजिट करता है या तो वीडियो एडिटर विजिट करता है मेरा चैनल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मुझे काफी टाइम हो गया इस फील्ड में, तो ये बातें बाद में होंगी। तो दोस्तों, पीसी का रिक्वायरमेंट है, पीसी का रिक्वायरमेंट अमूमन आपके पास अगर कोर i5 थर्ड जनरेशन होना, तो यानी ये ईडीओज को बहुत अच्छी तरीके से कवर करता है। उसकी वजूहत क्या है, कोर i5 जो थर्ड जनरेशन है उसके अंदर तो फिलहाल तो 1.5 GB बिल्टअप तो दिया हुआ है। अगर आप उसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी नहीं डालेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजूहत ये है क्योंकि उसमें 1.5 GB बिल्टअप ऑलरेडी होता है जो ग्राफिक कार्ड है। अगर अदरवाइज मजीद आप उसके अंदर ग्राफिक कार्ड डालना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, कोई इतराज नहीं। लेकिन उसके साथ एक बात आप अपने जहन पे बिठा लें कि आपने 8 GB रैम के साथ उसको बनवाना है और कम से कम 1 TB तो आपके पास होना चाहिए ईडीओज को यूज करने के लिए। तो ये आ गया आपका पूरा सिस्टम रिक्वायरमेंट। कोई भी अगर सिस्टम लो तो कम से कम वो इंटेल का हो, इंटेल के बाद वो टावर में हो। डेस्कटॉप में तो आपने सिस्टम बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि आप जा रहे हैं तो नया पीसी तो आप परचेज नहीं कर सकते। अगर जो भी परचेज कर रहा है तो इन रिक्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए फिर जाकर आप जो है ना एक सिस्टम बनवाएं, तब जाकर आप ईडीओज या एडोब प्रीमियर, एडोब आफ्टर इफेक्ट, इन सॉफ्टवेयर को सही तरीके से आप यूज कर सकते हो वीडियो एडिटिंग और वीडियो मिक्सिंग के लिए। ये रिक्वायरमेंट आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज इसके अलावा अगर मजीद आप कोर i7 लेना चाहो तो वो भी, मतलब वो फिर जदीद हो जाएगा और उसमें काम करने में आपको और मजा आएगा। लेकिन कम से कम आपके पास कोर i5 थर्ड जनरेशन होना चाहिए। अगर ये होगा तो ही जाकर आप अच्छे तरीके से काम करोगे। याद रखना, कोर i5 थर्ड जनरेशन 1 TB हार्ड के साथ, ठीक है, डेस्कटॉप इंटेल, ठीक है, और 8 GB रैम के साथ, ये आपके पास होना चाहिए। अगर जो ग्राफिक कार्ड होगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होगा तो मसला नहीं है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी जो ग्राफिक कार्ड है 1.5 GB का बिल्टअप दिया हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मजीद जो आपके सवाल हैं ये इनका जवाब आपको मिल चुका है। अगर मजीद सवाल आपने करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। मैं काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ अपने चैनल पर, उसकी वजूहत थे कुछ, तो वजूहत ये थे कि इंसान जाहिर सी बात है कुछ कामकार हो जाते हैं, लाइफ है, तो उस कामकार में बिजी हो गया था, तो यूट्यूब को फिलहाल छोड़ दिए थे। क्योंकि यूट्यूब में कुछ हमारे दूसरे भी दोस्त हैं, वो भी काम कर रहे हैं, आप उनके भी चैनल विजिट करो, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं वो। मैं नहीं कहता कि मेरे ही चैनल को देखो, लेकिन मुझे कुछ ऐसे सवाल बार बार आ रहे हैं, कह रहे अब्दुल असीफ भाई कम से कम हमें पीसी रिक्वायरमेंट तो बता दो, पीसी रिक्वायरमेंट तो बता दो। मैं कितने लोगों को कमेंट्स का जवाब दूँ, तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने ज़्यादा ही फोकस किया कि यार ये वीडियो बनाया जाए, ताकि हमारे जो दोस्त हैं
फिलहाल तो भाई ऐसा माहौल चल रहा है, हमारे जो एक वबा का माहौल चल रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हम घर बैठे हैं तो कुछ ना कुछ अर्निंग आए, या वीडियो एडिटिंग करें तो कुछ ना कुछ यूट्यूब से कमाएं या फेसबुक से कमाएं, कम से कम वीडियो एडिटिंग आना चाहिए। तो वीडियो एडिटिंग के लिए एडियू सॉफ्टवेयर, एडोब आफ्टर इफेक्ट, एडोब प्रीमियर, ये होनी चाहिए। उसके लिए आपको इस किस्म का एक सिस्टम चाहिए होगा। तो उम्मीद करें दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। अल्लाह के बाद फिर मान लिया, अपने दोस्त अपने भाई अब्दुल असीम को दुआओं में याद रखिए। एक बात याद रखना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है? अल्लाह नेकी पर।